जिला पूर्वी सिंहभूम के पुटका प्रखंड के अंतर्गत हरतोपा एवं डमजुड़ी पंचायत के राजदोहा एवं मुर्गाघुटो गांव के बीच में गुडरा नदी अवस्थित है। गुडरा नदी दो पहाड़ों के बीच से निकलते हैं, जहां दोनों गांव के लोग स्नान एवं मवेशियों को पानी भी पिलाते हैं। मेरे वीडियो बनाने से पहले गुडरा नदी में पूरा गंदगी से भरा हुआ था। नदी में यही हम लोग नहाता है। हाँ, माँ बहन सब आप पिकनिक आता है, पिकनिक वाला लोग खाली पत्ता फेंक करके नखरा कर देता है, बोतल तो फोड़ करके पानी में फेंक देता है। नरवा पहाड़ की ये सुंदरता जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आया करते हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है यहाँ की गंदगी को देखकर। और ये स्थल इतना मनोरम और इतना प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद यहाँ पर लोग ही इसको गंदा कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में इसको नहीं बचाया गया तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी हम पर अफसोस करेगी, हमें कोसेगी कि ऐसे सुंदर स्थल को हम लोगों ने कितना गंदा कर दिया है। वीडियो बनने के 3 महीने बाद नदी अभी पूरा साफ हो गया है और लोगों को अभी नहाने एवं मवेशियों को नहलाने में कोई असुविधा नहीं होती है। सफाई वीडियो जो फोटो लिया इसी के आगे इसी के चलते सफाई हुआ है और हम लोग का गांव की तरफ से वीडियो वॉलंटियर को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बनने से पूर्व यहां पर कितनी ज़्यादा गंदगी थी, लेकिन वीडियो बनने के बाद यहां पर अब चारों तरफ साफ सफाई है और पूरी तरह से हरियाली छा गई है। जगह अभी काफ़ी सुंदर लग रहा है और इसके लिए मैं वीडियो वॉलंटियर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके प्रयास से ये संभव हो पाया है। वीडियो वॉलंटियर हमी बहुत ये धन्यवाद करछी जे लदियार कोनो केचरा फेचरा नाई, सब गाँ ग्राम राजदोहार लोक आसछे सिना छे, सब किछु परिष्कार परिच्छन्न, सब भालो भालो आछे, कोनो झमेला नाई, एखन सब लोक आनंदई आमरा सिनान टिनान करा होछे। मैंने गुडरा नदी के गंदगी के ऊपर एक वीडियो बनाए थे जिसमें प्रभावित होकर गायत्री परिवार नरवा पहाड़ के सदस्यों ने नदी को सफाई करने का बीड़ा उठाया और नदी को पूरा साफ किया गया। इसलिए गायत्री परिवार को मेरे और मेरे गांव की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हूँ। जिला पूर्वी सिंहभूम से मैं तुलसी हेम्ब्रम, वीडियो वॉलंटियर इंडिया अनहट के लिए।